अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल, देख रहे हैं शब 21 ऑन के 21 न्यूज। कहते हैं जी, दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो कुछ नहीं खोया, और कोशिश करते रहें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। खुश रहें, शादो आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दुआएं लेते रहना बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्गों की, माँ बाप की, दोस्तों की, सभी की। दुआ यकीनन बहुत कारामद होती है। कहते ना, दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो, बिल्कुल ये बात सच है। खुशामदीद, आज एक कमाल की रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि ईजी भी है और टैम्पटिंग भी है। जब खाएंगे चपाती नान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। रेशमी दम कीमा बना रहे हैं, जिसका प्रोसेस जारी है। कॉल करके अब शो का हिस्सा बनेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाएंगे आज भी, लेकिन सिर्फ दो कॉल्स लेंगे। तो क्विकली आप बताएं, आप कॉल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आधा किलो कीमा यहाँ पे चिकन का, ये चिकन में बना रहे हैं रेशमी दम कीमा, ठीक है जी। तो इसका देखें किस तरह से हमने करना है तैयार। दोस्तों, आधा किलो ये चिकन का कीमा है, यहाँ पे दही इसमें अच्छा खासा ऐड होगा, ठीक है जी। हाफ के जी कीमा, अच्छा ये मशीन का नहीं कीमा, हाथ से हमने कीमा बनाया है, जरा सा मोटा है, थिक है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। हाथ का कीमा है आधा किलो, इसी के अंदर कीमे के अंदर अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, और बाकी चीजें बैठ करते हैं। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, इब्राहिम साहब बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? कैसे हैं सब भाई, खैरियत है? जी जी, ठीक है, खुश हैं, मजे में। क्या कहेंगे जी भाई, क्या कहेंगे इब्राहिम साहब आप? रेसिपी तो बड़ी जबरदस्त बना रहे हैं भाई, अभी देखें एंड पे। वैसे तो फिर अच्छी बनेगी, मगर एंड पे जरा देखें इसकी लुक कैसी आती है। वैसे तो आपकी बनाई हुई हर चीज माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। वैसे क्या पसंद आपको, मटन, चिकन या फिश? मटन ज्यादा अच्छी लगती है भाई, और फिश भी अच्छी लगती है, मगर मटन ज्यादा अच्छी लगती है। मटन ज्यादा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इब्राहिम साहब, देखें बहुत दिनों से आपकी आवाज में कुछ सुना नहीं है, तो अच्छा। वैसे इतना अच्छा गाते हैं आप, तो प्लीज अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा, ये गजल भाई, ये ना थी हमारी किस्मत, वो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी। जी जी प्लीज। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। कहूँ के सिने के क्या है, शबे हम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या भला क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये साहिल लुधियानी साहब ने लिखा था, क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अच्छा जी, ये चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन ऐड किया, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ये कीमा मजे का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा, 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, फ्रेश योगर्ट दही इसी के अंदर ऐड किया, दही ज़रा ज़्यादा ऐड किया हमने 300 ग्राम, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि नमक, अदरक लहसुन और स्पाइसेस का जायका अच्छी जाए। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ, पराठे के साथ, मर्जी तो आपकी जनाब। मैरिनेट करके जब आप रख लेते हैं तो इसका टेस्ट और ज्यादा एनहेंस होता है, और जिस तरह हिना ने भी कहा था, है ना, आपके लिए भी, और डेफिनेटली इससे टेस्ट डेवलप तो होता है, साथ ही टेंडराइजिंग, मीट टेंडर होने में भी हेल्प मिलती है। इसके साथ ही प्रोसेस की तरफ, एक पॉट के अंदर हम ऑयल ऐड करें 1/2 कप, प्याज 2 अदद लगभग ऐड करेंगे, मीडियम साइज की स्लाइस करें,
तो ये प्याज ऐड करने से पॉट के अंदर एक और है, इसके भी कट दो पीसेस और स्लाइस। ठीक है जी, रश्मि दम कीमा और बहुत सॉफ्ट जूसी कीमा बनेगा, मजे का बनेगा और यकीनन आपको अच्छा लगेगा जब आप ट्राई करेंगे। इसके लिए पहले ऑयल में प्याज हो रहा है ब्राउन, मीट को मैरिनेट करके यहाँ रखा हुआ है, प्रोसेस जारी है। ठीक है जी, कोयले का दम भी देंगे, चपाती के साथ एंजॉय करेंगे। और अब लग रहा है शायद मौसम बदल रहा है, सर्दियों से आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स गर्मियाँ, इसीलिए दोपहर में गर्मी भी होती है, रातें ठंडी होती हैं। लेकिन अच्छा जिसे यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे हल्की गलत कोयला जलाना है, उसे यहाँ रख लेते हैं और इसे यहाँ रख। ठीक है जी, तो यहाँ इसको ब्राउन कर रहे हैं, प्रोसेस जारी है और रेशमी दम कीमा बना रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चिकन में, आप चाहें इसे फिश के कीमे में बना सकते हैं, मटन में, व्हील में, झींगे अगर हैं ब्राउन उसका कीमा है उस पर बहुत मजे का बनेगा ये। ठीक है, तो ये मर्जी आपकी कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कुछ इसमें टमाटर भी ऐड करने हैं हमने, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर को भी इस तरह दो पीस और ये स्लाइस करें, टू पीसेस और स्लाइस। रोजाना लाइव होते हैं जी ऑन K21 न्यूज़ 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक फेसबुक पर, साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें K21 न्यूज़। कोई 33,000 सब्सक्राइबर हो गए, अब ट्रैफिक ज़रा हमारा बढ़ता जा रहा है, मज़ा आ रहा है, ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि रोज़ाना ये शोज हमारे वहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो कोई रेसिपी मिस भी हो जाए तो फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह ये टमाटर हम काट रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ये जो प्याज ही हमारी, ये जो पॉट में अनियन ब्राउन हो रही है, बिल्कुल देखें प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। प्याज बिल्कुल नरम करने के बाद इसमें ये कीमा जिसमें हमने सब चीज़ें मिलाकर रखी थी, ये इसी के अंदर ऐड करते हैं। पता नहीं, ठीक है जी, और ये ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, इसे टॉस करना है। ठीक है जी, करें भुनाई और एक वक्फे की तरफ, ब्रेक के बाद जब मौजूद होंगे मजीद प्रोसेस भी और इसका सिलसिला रहेगा जारी। अच्छा ये रेशमी दम कीमा है तो बहुत टेंडर सॉफ्ट होगा, जैसे ज़रा कवर करके पकाते हैं, लेते हैं वक्फा और ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। यस गाइस, वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद, लाइव मौजूद हैं ऑन K21 न्यूज़। रेशमी दम कीमा बना रहे हैं जिसका प्रोसेस जारी, चूल्हा हमारा ऑन है। अच्छा जी, क्योंकि ब्रेक काफ़ी लॉन्ग था तो अभी ही हमने चूल्हा ऑन किया है, बहुत ज़्यादा देर से नहीं पकाया। ठीक है जी, कुछ इसमें टमाटर भी ऐड किए थे, बल्कि एक आध और ऐड करते हैं, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, प्रोसेस जारी, कोयला जला रहे हैं और इसका अलग ही मज़ा है जी। जैसे ही कच्चे कीमे का कीमा जो होता है या कबाब होता है उसका अलग जायका होता है और कचरी कीमा एक अलग होता है, लेकिन आज ये रेशमी दम कीमा बना रहे हैं। इसकी क्या खास बात होती है कि इसको जिस तरह मिक्स करके रखते हैं दही के अंदर, उससे इसके अंदर एक ख़ास जूसीपन आता है। जब आप चपाती के साथ खाएंगे तो एक अलग ही मज़ा होगा। ठीक है जी, और हुमा नूर का पैगाम आया कितनी देर से मैरिनेट करके रखना है। हुमा ही वुड से कि
जितनी ज्यादा देर उतना बेहतर है, अगर 6 से 8 घंटे रख लें, रात भर रख लें तो और ज्यादा बेहतर है। और साथ ही हुमा की सालगिरह भी, हुमा खुश रहें, शादोआबाद रहें, जो कि इतना खुशियों से मेरे हाथ पांव झूम गए, तो खुशी की वजह आपकी सालगिरह, आपको सालगिरह मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, सभी देखने वालों की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर। ठीक है जी, तो बस यही बात है। साथ ही इसमें भुनाई जा रही है, जब कीमा गलने को आए तो उस पॉइंट पर ये पिसा हुआ गर्म मसाला 1/2 चम्मच, खुश्क मेथी, अलग ही खुशबू लाती कीमे के अंदर, 1 चाय का चम्मच खुश्क मेथी भेड़ की, कुछ सब्ज मिर्चें भेड़ करते हैं, जैसे इस कीमे में चौप की हुई मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, तो सब्ज मिर्चें से चौप कर लेते हैं, जरा इस तरह से काट लेते हैं, हो सकता है गार्निश में भेड़ करें यहाँ, और सब्ज धनिया भी है, इसे भी इसी तरह चॉप कर लेंगे। रखा तो चॉप किया हुआ धनिया और सब्ज मिर्चें भी ऐड की, इससे जरा एक और चटपटापन भी आएगा। ठीक है जी, इस तरह प्रोसेस जारी है। और इस तरह बिल्कुल जैसे कटाकट का जो प्रोसेस होता है वैसे इसको डिसॉल्व करना, ताकि ये दही का पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। और हमने इन दी बिगनिंग पानी इसलिए खुद रखा क्योंकि धीमी आंच पे बनाया, कवर किया था, तो आपको इसमें मॉइस्चराइजर फील होगा, क्योंकि जूसी हम कीमा रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसको ज़रा ड्राई करना है ताकि चटपटापन इसके अंदर आएगा, जो नींबू की खटास भी रखिएगा, आखिर में चाट मसाला, और ये सब कुछ ऐड करेंगे टॉप पे भी, जिससे इसका अलग फ्लेवर जायका हो सकेगा तैयार। चूल्हा बिल्कुल बेशक तेज रखें। एक और चीज़ जो यहाँ करनी है, हमने कोयले का दम देना है, ऑलरेडी कोयला रखा है हमारे पास, तो ये ज़रा सा कैबेज का ये लेते हैं, इतनी सी कैबेज ली, और आपको ये जगह बनानी है इसके अंदर, कीमा ज़रा उठाना है, इस तरह उठा के यहाँ ये कैबेज रखी, बंद गोभी का ये हिस्सा, कोयला जो जलाया था इस तरह इसके बीच में रखा, फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के, और से कवर रखना, चपाती के साथ इसे पेश करें, जो सीमा ने भी पूछा था, तो आप इस तरह कर सकते। क्या बात है कोयले का टच आके मैजिकल टच आ जाता है, बहुत फर्क आता है इसके जायके में भी। ठीक है ना, तो इस तरह इसको फाइनलाइज करें, और जब तक ये कीमा हो रहा है इसकी गार्निश की भी तैयारी करते हैं, मिर्चें, धनिया, नींबू सब कुछ ऐड करेंगे। तो पहले तो ये लेमन काट लेते हैं, नींबू की खटास, ये मर्जी है, बहुत से लोग नींबू ऐड नहीं करते, निहारी के ऊपर भी ऐड नहीं करते, मैं खुद भी ऐड नहीं करता, सिर्फ हलीम के ऊपर मुझे अच्छा लगता है नींबू, बाकी किसी और चीज़ के अंदर नहीं, लेकिन ऐड करते भी हैं लोग, तो ये मर्जी आपकी। चलो इतना काफ़ी है, नींबू काट रहे हैं, ग्रीन चिलीज कुछ ऐड करेंगे, और हरी मिर्चों की खास बात ये कि जो मिर्चें पसंद करता हो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड भी कर सकता है, और साथ ही विटामिन सी भी होता है, तो अच्छा ही है। इस तरह मिर्चों को करें चॉप, एक और, ठीक है जी, जरा सा सब्ज धनिया इसे भी चॉप कर लेते हैं। ठीक है जी, बस प्रोसेस जारी है, मेरे ख्याल से दम आ चुका है, आप चाहें तो और ज़्यादा देर रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, खैर तो कवर हटाते हैं, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा,
मजे का जी। फिर से चूल्हा ऑन किया और इसको अब फाइनलाइज करते हैं। ठीक है जी, इस तरह जरा डिजॉल्व भी करना है ताकि फ्लेवर भी रचेगा। चाट मसाला भी इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, चाट मसाला बल्कि इस वक्त भी हल्का सा ऐड कर रहा हूँ। चाट मसाले से एक जरा चटपटा बनाएगा, जो कटाकट का तरीका होता है या बाकी दीगर टाइप की चटपटी खाने होते हैं, जिसमें चाहे चपली कबाब हो, चपली कबाब का भी गोश्त जब मज़ेदार हो, कबाब अच्छे बने हुए हों, जूसी हों और साथ ही जब टॉप पर चाट मसाला है तो और अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से भुनाई का सिलसिला रखिएगा जारी, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, फेसबुक पर शेफ 21 मुझे भी तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। बहुत से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरे अपने चैनल पर कोई काफ़ी अच्छे खासे लोग आ चुके हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है जी, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये गल जाएगा। और रेशमी दम की माए तो इसके अंदर सॉफ्टनेस और जूसीपन रहेगा और रहना भी चाहिए। ठीक है जी, तो कीमा हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है तैयार, निकालते हैं। बल्कि से यहाँ निकालते हैं, यहाँ रखा, और जरा देखिएगा कि किस तरह है। अब दानेदार कीमा भी है और एक सॉफ्टनेस भी आपको फील होगी। जरा आपको यहाँ दिखाते हैं, देखें कीमा दानेदार और ये सॉफ्टनेस देखें जरा। खास है, ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी मेरे ख्याल से कीमा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, देखें इसमें हल्का सा गीलापन है, सॉफ्ट है, जूसी है, बहुत खुश्क नहीं होता ये रेशमी कीमा। इसके अंदर ज़्यादा सा जूसीपन होता है, जब आप तक ये जब आप चपाती के साथ, पराठे के साथ भी अच्छा लगेगा। जब इंजॉय करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जूसीपन क्या चीज़ है और वो कैसा लगता है जब आप ट्राई करेंगे। चलिए सभी निकाल लेते हैं। टॉप पर इस सब्ज मिर्चें, कुछ ऑमलेट भी ऐसे लगते हैं, दिखते हैं। इसके बीच पे लेमन रखा, सब्ज धनिया और साथ ही चाट मसाला which will make it more special. You on the top chaat masala bhi sprinkle karta hai. Ye reshmi dam keema hamara ho chuka hai taiyar. Aap se bilkul le rahe hain ijazat. Kitna aana jana, jaakar aana hai ye jeevan ka khel purana. Dates out goes. Ise bhi remove kar lete hain. ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था लेकिन हमने ट्राई किया आपके लिए शेयर की रेसिपी रेशमी दम कीमा। ज़रूर ट्राई करें, हम भी इनसे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और बल्कि आपको चक्कर बता देते हैं, इस तरह सीमा नाजनी का चक्के बताया करें। चलिए आपको बताते हैं, दोस्तों कीमा बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई करेंगे। दो चपाती तो ज़रूर खाऊंगा इंशाल्लाह। लेते हैं इजाज़त क्योंकि हमें इंजॉय करना है। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।